So we start today's lecture. Good afternoon, everybody. The topic that I'm going to start today, that is your input and output. And input and output basically covers, you can kind of file organization. Kind of file organization in Python. The point is that what a file is. अगर से गल करें ना फाइल है कि व्हाई वी रिक्वायर ए फाइल से एमएस वर्ड्स भी काम करते हो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी काम करते हैं अगर ऐसी किसी भी पर्टिकुलर फाइल की गल करिए फाइल दे विच की होता है फाइल दे विच प्रोग्राम्स भी होते हैं फाइल में कंटेन है डाटा लाइकवाइज अगर तुम पाइथन का प्रोग्राम करते हो तो पाइथन के प्रोग्राम प्रोग्राम लिखते हो एंड तुसी एक फाइल क्रिएट कर दे उस फाइल का एक्सटेंशन होता .py सिमिलरली अगर असि एमएस वर्ड्स काम करते हैं तो एमएस वर्ड्स जिहड़ी फाइल बनती है एक्सटेंशन बनती .docx docs 2007 ऑनवर्ड्स वर्जन की मैं गल कर रहा 2007 तो पहला जो वर्जन से उसकी एक्सटेंशन होती थी .doc सिमिलरली अगर एक्सेल काम करते हैं .lsx जो एक्सटेंशन है फाइल में जो हर फाइल दी एक्सटेंशन है फाइल नेम तो असि रेकोगनाइज नहीं कर सकते भी ये फाइल पाइथन दी है या फाइल सी दी है या फाइल सी प्लस प्लस दी है या फाइल जावा दी है या वर्ड दी है या एक्सेल दी है असि रेकोगनाइज कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल जो उस फाइल में एक्सटेंशन लगी हुई है उसको असी रेकोगनाइज कर सकते हैं दैट ए फाइल किस पर्टिकुलर लैंग्वेज दी है किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दी है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दी है या किसी एप्लीकेशन पैकेज दी सो फाइल कंटेन्स यू कैन से डाटा ऐसे ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज का कोई गल नहीं है असी नॉर्मली कई बार कहते ना डाटा इज ऑर्गेनाइज डाटा इज अनऑर्गेनाइज इस केस दे विच मैं कोई ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की गल नहीं करूंगा बिकॉज फाइल कंटेन्स डाटा उस डाटा दे विच तुहाडा टेक्स्ट भी हो सकता है ग्राफिक्स भी हो सकती हैं इमेजेस भी हो सकती हैं तुहाडे प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं एनीथिंग दैट कैन बी कंटेन्ड इन ए फाइल इंक्लूडिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एक टेक्स्ट है विच थोड़े बहुत डायग्राम्स होंगे सो ए फाइल कैन कंटेन एवरीथिंग दैट यू विश टू स्टोर ऑन द कंप्यूटर लेकिन हूँ तक असं पाइथन के जो भी काम कर चुके हैं वट वी बेसिकली डू असं प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को सेव करते हैं उस प्रोग्राम को रन करते हैं सू आउटपुट क्रिएट आउटपुट जनरेट हो जाता नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर के चैप्टर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट असं इनपुट एंड आउटपुट की स्टेटमेंट्स अगे कर चुके हैं लेकिन हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर के वट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू वी आर फर्स्टली गोइंग टू स्टडी अबाउट द फाइल What a file is, असी files through language we create कर सकते हैं उन्हें files से different kind of operations perform कर सकते हैं और उसी context से विच साड़ी को different kind of commands available है जिड़िया की Python साड़ी को available So what the file is, सब तो पहला file के context गल करिए file है कि फाइल्स आर नेम्ड लोकेशन नेम्ड है नेम हर फाइल का एक पर्टिकुलर नाम होता है और हर फाइल का एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन ईच एंड एवरी फाइल इट हैज गॉट ए नेम तुसी जो भी फाइल क्रिएट करते हो या वर्ड्स क्रिएट करो या किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट करो इट विल ऑलवेज आस्क यू टू गिव द नेम सो फाइल्स आर नेम लोकेशन मैं चीज फिर बार बार क्लियर करता हूँ It is from the extension of a particular file that we can recognize that whether that file belongs to MS Word or Excel or to any of the programming language. It is the extension. जो उस फाइल की extension होती है, that is the primary thing from which we can recognize a particular file. So files are name location. This is correct because each and every file, it has got a name. On disk, they are normally stored on hard disk.
इवन फाइल्स से पेन ड्राइव पे स्टोर कर सकते हो, सीडी रोम पे स्टोर कर सकते हो, और होर कई पोर्टेबल मीडिया है जिन्हें दे विच तुसी फाइल नु स्टोर कर सकते हो। टू स्टोर इनफॉरमेशन दे आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डाटा इन नोन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज हार्ड डिस्क। तुसी फाइल नु हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हो, तुसी फाइल नु सीडी पे करते हो, पेन ड्राइव पे करते हो, और जिन्हें थोड़े को पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया यू कैन स्टोर दोस फाइल्स फाइल्स ऑन योर मीडिया। सिंस रैम रैम इज टेंपरेरी एंड इट इज वोलेटाइल, वोलेटाइल मींस जब एक बार सप्लाई पावर सप्लाई गई तो जो भी उसे लिखा वह शट हो जाएगा। वी यूज फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज ऑफ डाटा बाय परमानेंटली स्टोरिंग। अगर ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰੈਮ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਮ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਾਈਲ ਔਨ ਦਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, और अगर तुसी पोर्टेबिलिटी चाहते हो सो दैट फाइल इन द पेन ड्राइव से तुसी या फिर फोर पोर्टेबल मीडिया में तुसी फाइल को स्टोर कर सकते हो। सो फाइल से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जिधर तुसी पाइथन की कंटेक्स्ट में बात करते हैं। व्हेन वी वांट टू रीड फ्रॉम और राइट टू ए फाइल, इससे भी फाइल को अगर तुसी रीड करना, मान लो मैं कहना है एक पर्टिकुलर फाइल है एबीसी, इस फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਫੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਈਵਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਾਈਲ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਓਪਨ ਦੈਟ ਫਾਈਲ ਫਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। When we are done, means जब उसे file open कर ली, it needs to be closed. जेडी भी file open की थी है, वो file नू close भी करना है, क्यों करना है? So that the resources that are tied with the file are freed. जब भी ऐसी कोई file open up करते हैं, हर file resources दे नाल में example लेना है computer की memory consume कर। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਰੈਮ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਪੇਰਾ ਸਪੇਸ ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਨ ਦੈਟ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼, ਦੈਨ ਦੈਟ ਫਾਈਲ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਰ। That is why Python ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਵੀ ਓਪਨ ਏ ਫਾਈਲ, ਦੈਨ ਵੀ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕਲੋਜ਼। ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਓਪਨ ਏ ਫਾਈਲ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ। So the first and the most important function that is open, opening a file. File open होएगी, the file ही open ही होएगी, ना उसे read perform होना है, ना write perform होना है, और ना opening की थी तो फिर close operation भी perform नहीं होना। So for the file, the most important function is that is the opening a file. और ओपन फाइल करने को किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका नाम ही ओपन। ओपन इसका सिंटैक्स देखो,
फाइल का नाम असैसमेंट ओनू किस मोड दे विच ओपन करना चाहिए। पाइथन प्रोवाइड्स एन ओपन फंक्शन दैट एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स पहला फाइल नेम दूसरा असैसमेंट फर्स्ट इज योर फाइल नेम एंड सेकंड इज योर असैसमेंट इन विच द फाइल इज टू बी असेस्ड The function returns a file object. He return कर रहा है function. एक file object को return कर रहा है. The function returns a file object which can be used to perform various operations like reading, writing, etc. He return कर रहा है function. Function return कर रहा है object. और open function का syntax यही है. File object. ओपन फाइल नेम असेसमेंट देखो फाइल का नाम तो वही है जो नाम असी रखे है ठीक है हुण असेस मोड्स की है डिफरेंट असेस मोड्स दैट आर अवेलेबल इन पाइथन आर रीड अपेंड राइट एंड अगर असी असेस मोड जगह आर लिखांगे तो दैट मींस इट इज अ रीड मोड अगर असी ए लिखांगे दैट इज अपेंड मोड अगर डब्ल्यू लिखांगे दैट इज राइट मोड और अगर एक्स लिखांगे दैट इज योर रीड सो रीड मोड की रीड मोड का मतलब है तुसी उस फाइल नू रीड कर सकते हो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते कई बार ऐसी फाइल्स तुहाडे कोल अवेलेबल हुंदी है तुसी कुछ पीडीएफ फाइल नू ओपन अप करदे हो और सिर्फ रीड मोड चुनी है तो इस फाइल को रीड कर सकते हो काफ़ी पी डी एफ फाइल इस टाइप की होंगे लेकिन उन्होंने चेंजेस नहीं कर सकते डिफॉल्ट वैल्यू इफ नथिंग इज मैंशनड अगर तुहाडे सपोज कुछ भी मैंशन नहीं है असेस मोड तो उन्हें रीड मोड के विच ही ओपन होना आर ओपन से फाइल फॉर रीडिंग एरर इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट एरर जनरेट कर दी है अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर मान लो मैं कहना है फाइल एबीसी है आई वांट टू ओपन दैट फाइल इन रीड मोड वो फाइल भी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर दी एरर सेकंड मोड जरा साडा असेस मेथड चलता दैट इज अपेंड मोड अपेंड मोड अपेंड मोड का मतलब होता है मेकिंग चेंजेस अपेंडमेंट अपेंडिंग मेकिंग चेंजेस opens a file for appending means for making changes and it will create a file jehda read mode hai tuhanda oh vi file nu open karda reading layi lekin agar file exist nahi kardi ta oh error denda append mode ek file nu open karda hai for amendments certain kind of amendments lekin agar file exist nahi kardi ta eh error generate nahi karda Instead, it will create that file. So, इन दोनों चीज़ों का difference note कर लियो. First is your read mode, second is your append mode. Read mode देविच की है, file को reading लिए open करेगा और error generate कर देगा अगर file exist नहीं कर दी. और append mode की है, open the file for amendment और अगर file exist नहीं कर दी, then ए उस file को W डब्ल्यू का की मतलब है ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग एंड अगेन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर दी फाइल क्रिएट कर और लास्ट एक्स है एक्स इज क्रिएट्स अ स्पेसिफाइड फाइल फाइल क्रिएट करता है लेकिन अगर ऑलरेडी एबीसी नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट नहीं करेगा एरर जनरेट कर इट विल जनरेट एन एरर इफ उस नाम की फाइल ऑलरेडी एक्सिस्ट कर सो ओपन फंक्शन दे नाल साडे कोल ओपन फंक्शन दे विच फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इहदे नाल एक तां फाइल नेम होता है दूसरा उहदा असेस मोड होता है और असेस मोड दे विच साडे कोल चार ऑप्शन है रीड ऑप्शन है अपेंड ऑप्शन है राइट ऑप्शन है क्रिएट ऑप्शन लेकिन इसके अलावा साडे कोल एडिशनल दो होर ऑप्शन है In addition, you can specify if the file should be handled as binary or
टेक्स्ट तुसी किस वे नाल उस फाइल नू हैंडल करना चाहते हो। अगर ए टी है दिस इज डिफॉल्ट मोड ए टेक्स्ट मोड हैंडल होगी और अगर बी है ए बाइनरी मोड दे विच हैंडल होगी। जिथे इमेजेस की रिक्वायरमेंट आएगी उथे असी बाइनरी मोड दे विच फाइल की हैंडलिंग करांगे, जिथे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट आएगी उथे असी टेक्स्ट मोड दे विच फाइल नू हैंडल। नाउ लुक एट दिस, पर एक मैं प्रोग्राम बनाया है, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਏ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਪਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੋਟ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਓਪਨਡ ਇਨ ਰੀਡ ਮੋਡ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਰਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। अगर यह फाइल एग्जिस्ट नहीं करती दैन एरर जनरेट करेगा। और अगर अमेंडमेंट कर दे, ऐसी कोई भी अमेंडमेंट कर दे, इस चीज़ को नोट करना, अगर ऐसी कोई भी अमेंडमेंट करिए, मैं हूँ इस चीज़ को प्रैक्टिकली तुम्हें दिखा भी देना, आई जस्ट कॉपी दिस प्रोग्राम, अमेंडमेंट कर दे या राइट कर दे तो उन्हें नवी फाइल क्रिएट कर देनी सी, एल्सवेयर ने नहीं करनी सी। मैं हूँ आइडियल दे चले जाके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, I'll show that program to you. Look at this idle screen to share kar rahe hain. This idle screen jo program banata hai. Python da sab to advantage yahi hai ki copy bade aaram nal kar sakde ho jehda ki C, C++ se Java ch available nahi sira. Now look at this program. Main ABC di naam di gal nahi karda, kuch hor main naam le lena. Let's suppose मैं फाइल का नाम ले लेना है c1.txt, क्योंकि मैं abc नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। फाइल कोई भी नाम ले सकते हो, c1.txt, now I'll save this file and run कर। invalid non printable error, चलो एरर दे रहा है, यदि सेटिंग नहीं आ रही कोई गल नहीं, एरर आते ही होंगे मोटे मोटे। लो हम एरर रिमूव हो गया, एज आउटपुट आ गई, मैं थोड़ा आउटपुट शेयर कर रहा। लुक एट द आउटपुट जी कि शेल विंडो च है। ट्रेस बैक मोस्ट रीसेंट कॉल लास्ट फाइल सीवन डॉट टेक्सट नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਡ ਮੋਡ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਡ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੋਡ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਮੋਡ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾ, ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ c1.txt ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਨੇ ਐਰਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ। ਨਾਓ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮੋਡ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਮੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਮੋਡ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੀ ਵਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਪਨ c1.txt, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਓਪਨਡ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੋਡ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਲਵ ਇੰਡੀਆ।
लेट सपोज एदे विच फाइल लिखा है उसे दा नाम एफ भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट का नाम तो सिर्फ ही लिख सकते हो। एफ अगर लिखोगे तो सारी जगह एफ ही आएगा, तो मतलब नाम उही नहीं लिखना होता जो असि स्पेसीफाई किया। c1.txt जो तो प्रोग्राम रन किया ना, मैं तुम्हें तो सामने स्क्रीन दिखाना है, शेल स्क्रीन की आ रही है बिल्कुल ब्लैक। मैं कितना देखना चाह रहा हूँ c1 फाइल में कितना देख सकता, c1 फाइल को देखने लिए मैं कितने जाना पैना, मैं जाना पैना कमांड प्रॉम्प्ट से। आई विश टू रन टू कमांड प्रॉम्प्ट, ऐसा नहीं देखी जानी है फाइल, फाइल देखने लिए सानू पूरा पाथ लभना पैंदा है कितने है फाइल गई सानू। हमें कमांड प्रॉम्प्ट तो तुहाडे सामने स्क्रीन पर आ गया, मैनू इहदा पाथ पता है cd app data, app data तो बाद है लोकल दे विच है cd local, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर का पाथ रीड किया है, तुसी भी अपने कंप्यूटर का पाथ रीड करना ये फाइल कितने गई है। इस तो बाद लोकल तो बाद गया आई सपोज पाथ प्रोग्राम है, यस प्रोग्राम है cd प्रोग्राम, उस तो बाद पाइथन, उस तो बाद मैं देखूंगा पाइथन सी नाइन, पाइथन सी नाइन जिस पाथ मेरी वो फाइल फाइल अवेलेबल है वो मैं लभांगा। हम तुम इतने देखो c1 नाम की फाइल बन के क्रिएट होके आ गई होनी है c1.txt, अगर नहीं दिखती भी आप लिख देना टाइप c1.txt इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री आई लव इंडिया, c1.txt नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। और जो मैं उस फाइल नूं टाइप करके देखा वो फाइल दे विच एक ही आउटपुट आई जी की मैं बनाई थी। इस डायरेक्टरी दे विच c1.txt आ देखो यह फाइल क्रिएट हो चुकी है, इफ यू वॉन्ट टू सी आ देखो यह फाइल c1.txt क्रिएट हो चुकी है, दिस इज द वे टू क्रिएट ए फाइल। आ देखो c1.txt 38 बाइट्स की फाइल क्रिएट हो गई है। जो तो मैं पहला abc.txt में क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं abc नाम की फाइल में पहला क्रिएट की थी। ये जिहड़े जो असीं क्रिएट करते हैं स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं इट क्रिएट्स ए फाइल, लेकिन असीं जो असीं कहने से फाइल कितने है तुहानूं लोकेशन लभनी पैनी है जिथे तुहाडी ओह पर्टिकुलर फाइल स्टोर्ड है, उस लोकेशन ते जाके ही तुहानूं फाइल दिखेगी। इस स्टेटमेंट नाल abc.txt नाम की फाइल और जो भी तुसीं टैक्सट लिखना चाहते हो वो तुसीं लिख सकते हो। और लास्ट विच मैं फाइल नूं क्लोज करना है वो पर्टिकुलर फाइल क्लोज हो जाएगी, क्लोज लई क्लोज फंक्शन स्टेटमेंट यूज होती है। दिस स्टेटमेंट टर्मिनेट्स आर द रिसोर्सेज वी यूज एंड फ्रीज द सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर। और मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन लेके भी आ जाना, देखो मैं स्क्रीन देखी है, दिस इज द राइट कमांड, इट अलो अस टू राइट इन ए पर्टिकुलर फाइल ए आउटपुट तुम्हारी। सो यह जोड़े से ऑपरेशन से दो ऑपरेशन मैं परफॉर्म किए फाइल के कंटेक्स्ट के, फर्स्ट वन वाज टू यूर रीड ऑपरेशन, सैकेंड वाज वाज यूर अमेंडा के नाम है राइट ऑपरेशन, असी फाइल कि राइट कर सकते हैं और जी असी फाइल राइट की हुई है अस उस रिटर्न फाइल को किस वे ना देख सकते हो। अच्छ मैं उही दो चीज़ा तुलना एक्सप्लेन की। विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज लेक्चर, सो थैंक यू।